भाई, अगर थोड़ी सी पाकिस्तान टीम के बारे में करें तो तीन चार जैसे खबरें इधर सर्कुलेट कर रही हैं, जहां पे ये बात की उधर टीम सिलेक्शन के बारे से बात आ रही है, रिजवान और शहीन एक दो प्लेयर को रेस्ट देने के बारे से बात हो रही है, दूसरा इन सब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जी इनको जरा नीचे वाली कैटेगरी दी जाए जो लड़के टीम में थे, और कुछ लड़कों पर बात हो रही है, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक के वाले से मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। जब ये इसने डेब्यू किया था तब आपने कहा था कि बड़ा टैलेंटेड लड़का और पूरा पाकिस्तान जाता है कि बाबर के बाद सबसे टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, आपके ख्याल में ये लड़का तीनों फॉर्मेट में जगह बनाता है अपनी? इनको इनस्विंग में मसला है, इनका पांव पहले जाता है फिर बैट आता है, तो ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट में नहीं खेलते हैं फॉरवर्ड, और इनके मसले चल रहे हैं, ये टेक्निकल इशू है और ये एक्सपोज होंगे अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप, तो इनको इसके ऊपर बहुत काम करना है, पोटेंशियल तो है इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो आपने करना है इस टीम के साथ वो नी जर्क ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है, और पहले क्रिकेटिंग फॉल्ट ढूंढे ना, फॉल्ट लाइन क्रिकेट में है, फिर उसके बाद आपकी डग आउट इन्वायरमेंट में है, फिर उसके बाद आप आगे चल करते हैं, सो ये नी जर्क ऑपरेशन जो है ना ये ज्यादातर कामयाब नहीं होता है, क्योंकि आपने आना इन्हीं प्लेयर्स के पास है, क्योंकि ये यंग प्लेयर्स हैं, और फिर आप ऐसे नहीं आप डिसओन करते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। बिल्कुल अजहर अली साहब, जब हम वेस्ट इंडीज की पिचेस की बात करते हैं तो यहाँ फास्ट बॉलर्स को बहुत रन कंसीड हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स को क्या लेंथ रखनी चाहिए? मेरे ज्यादा ख्याल है अनलेस कि बहुत ही अच्छा विकेट आ जाए, तो अगर बॉलर्स राइट टाइम पे कंडीशंस को देख लें और ऑब्जर्व कर लें तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर अगर आप कटर्स का इस्तेमाल करें, आज क्या गलती की साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने भी, यॉर्कर्स करने चले गए वहां उस पिच पर जहाँ शॉट मेकिंग आसान नहीं थी, जब उन्होंने कटर्स किए उस पर बाउंड्री नहीं लगी, आपने देखा पहले जब उन्होंने बॉल किए साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने या बीच में जब इंग्लैंड के बॉलर भी कर रहे थे, लेंथ बॉल पे हिट लगाना मुश्किल थी, इवन शॉर्ट ऑफ लेंथ भी इन टू द ब्रीज हिट मारना बहुत मुश्किल था। आई थिंक एट टाइम्स बॉलर्स जो डेथ बॉलिंग है बहुत जल्दी से शुरू कर देते हैं, अनलेस के आई फील के इन पिचों पर जब तक आपको हिट ना लग जाए आपके लेंथ से या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल से, तब तक आप यॉर्कर्स पे ना भी जाएं तो यू विल बी फाइन। मे बी लास्ट एक दो ओवर में जब आपको पता है कि सिर्फ जो है वो बैट्समैन बैट स्विंग कर रहा है तो उसमें से आप जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके लिए लेंथ बॉल वर्क कर रही है तब तक आप अपनी लेंथ को ना चेंज करें, स्पेशली ऑन द साइड विच इज़ बिगर और अगेन वहाँ पर विंड अगेंस्ट चल रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा अवेयरनेस का जितनी जल्दी अवेयरनेस अपनी यूज करेंगे, पिच को रीड करेंगे जितना जल्दी उतना, आई थिंक फास्ट बॉलर के लिए भी यहाँ पर इतना क्वेश्चन जरूर मौजूद है। ये वो वाली विकेट्स नहीं है इंडिया पाकिस्तान या कहीं इंग्लैंड की फ्लैट विकेट्स जहाँ पे लेंथ बॉल पे आपको मार पड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास इनफ सपोर्ट पिच से मिलेगा आपको जिसमें आप बच भी सकते हैं और विकेट्स भी हासिल कर सकते हैं।